हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका बुरा चाहने वाले व्यक्ति आपके साथ अन्याय करने वाले व्यक्ति का खेल खत्म होने जा रहा है, आप पर हो रहे अत्याचारों का अंत होने जा रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके साथ बुरा करने वाले, आप पर अत्याचार करने वाले व्यक्ति का खेल खत्म होने जा रहा है। यह आपके साथ कुदरत का बहुत बड़ा न्याय होने जा रहा है गाइस। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। Queen of Swords. Okay. The Hangman. बिल्कुल गाइस, ये जो भी इंसान है जिन्होंने आपकी लाइफ को इतना स्पॉइल करने की कोशिश करी है गाइस, ये बहुत ज़्यादा इन्होंने आपके लिए बुरे बुरे शब्द काम में लिए हैं। बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, टैग काम में लेना, टैक्स काम में लेना, कुछ ऐसा आपके लिए, मतलब कहते हैं ना कि डिसरेस्पेक्ट से बुलाना किसी को, कोई भी इंसान है ये, बाहर के इंसान भी अगर आपके वर्क प्लेस पर भी है ना, तो ये कहते हैं ना कि जानबूझकर किसी को अपमानित करने के लिए ऐसे शब्दों को काम में लेना, ऐसे टैग्स काम में लेना जिनको उनका, जिसे सुनने पर ना किसी इंसान को एक बार गुस्सा भी आए और वापस पलट कर कह भी ना पाए। कहीं ना कहीं एक बात कह लो गाइस कि ये कोई ऐसे इंसान है जहाँ पर वापस रिप्लाई देने में या फिर एक डर रहता है, इनके बिहेवियर से आप डरते हो गाइस, इनके बिहेवियर में वो चीज़ है। एक कहते ना बुरी नेगेटिविटी, या फिर ऐसा भी कि अगर वापस पलट कर रिप्लाई दिया ना तो ये फिर से कुछ ज़्यादा बोलेंगे। तो एक होता है ना कि कोई इंसान ये सोचे कि नहीं, मैं कम से कम इससे ज़्यादा मुझे सुनने को ना मिले, है ना, कुछ बुरा सुनने को ना मिले, या फिर अगर ऐसा कुछ और एक्स्ट्रा में बोल दिया ना तो फिर वो फिर सहन नहीं होगा, वो परिस्थितियाँ और ज़्यादा बुरी क्रिएट हो जाएगी। तो ये अंदर से आपकी अंतरात्मा जो है ना ये चीज़ें सोचती है, और यही रीज़न है कि वो उन अत्याचारों को सहन कर लेती है। ये हो सकता है आपके आसपास में भी कोई इंसान ऐसे हैं जो हो सकता है थोड़े एज में भी है, लेकिन इनके बोलने का तरीका इतना बुरा है, इतना बुरा है कि ये बच्चों तक को इतना गलत गलत तरीके से बोलते हैं। तो यही चीज़ है गाइस कि कहीं ना कहीं आपको ये पता है कि इनके बराबरी में नहीं आना है, या इनके बराबर में जाकर बहसबाजी या झगड़े नहीं करने, ऐसे शब्दों को काम में नहीं लेना, वरना इनका तो कोई स्तर नहीं है बोलने तक का, ये किस स्तर पर बोलेंगे, और फिर गुस्सा बर्दाश्त नहीं होगा, फिर वो अलग ही रूप ले जाएगा और ये नेगेटिविटी और फैल जाएगी और माहौल बिगड़ेगा। आप कहीं ना कहीं माहौल के बिगड़ने से डरते हो, ये भी है। और दूसरा ये कि थोड़ा आप चुप रह कर ना, आप ये समझते हो कि आपके लिए एक प्रोटेक्शन या ढाल का काम करता है आपका चुप रहना, या आपका पलट कर वापस रिप्लाई ना करना, ये भी चीज़ है। कहीं कहीं पर सही होगा इस, लेकिन कहीं कहीं पर चीज़ें ऐसे करने से क्या होती है कि दिन प्रतिदिन ना आप पर बढ़ती जाती है, और कितनी बार आपने ऐसे गलत वर्ड्स को सुना है। ये कोई इंसान ऐसा है का जिनको ना बहुत बुरे शब्द काम में लेने का ना यूं रहता है कि किसी के लिए बुरे शब्द काम में लेकर उनको नीचा दिखाया जाए, ऐसा इंसान है। खेल बहुत खेलते हैं गाइस, ये एक्चुअल में क्या है ना, ये अकेले में कुछ करने जैसे इंसान नहीं है, मतलब ये अकेला बंदा जो है ना ये कुछ करने जैसा कुछ भी नहीं है, ये ना एक लोगों का ग्रुप बना कर ना हावी होने की कोशिश में रहता है, तभी इन्हें पावर दिखती है, वरना बड़ा कमज़ोर निर्बल इंसान है, बड़ा कमज़ोर इंसान है, मैं ये कहूँगा इस, इनमें ताकत है ही नहीं, झुंड बनाकर चलने वाला इंसान है, भेड़ चाल में चलने वाला इंसान है ये। अगर बहुत सारे लोग अगर किसी गलत चीज़ के बारे में कहेंगे ना कि वो सही है, तो ये उन्हीं का साथ देंगे। और एक चीज़ और इनमें देखने को मिलती होगी आपको, चाहे ये वर्क प्लेस पर है, चाहे आसपास में है, कहीं पर भी है, दूर रिश्तेदार में है, जो भी इंसान है, इन्हें गलत चीज़ें ज़्यादा प्रभावित करती है, चाहे गलत लोग हुए वो बहुत प्रभावित करेंगे, वो इनको बहुत अच्छे लगेंगे, ठीक है, या फिर अगर गलत सिचुएशन है या गलत फैसला है वो लेने में इनको ज़्यादा उत्सुकता रहती है, मतलब गलत डायरेक्शन में खुद भी जाए और फंसाने वाली चीज़ें गाइस, फंसाने वाली चीज़ें एक्चुअल में
क्या कहूँ मैं इनके बारे में, मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि एज में है गाइस, बट एज में होने के बाद में मैच्योरिटी बिल्कुल नहीं, समझ है ही नहीं, बिल्कुल भी समझ नहीं है। एक छोटे से बच्चे तक को अगर कोई गलत कह दे, छोटी नादानी पर उनके उनको भी बुरे शब्द काम में ले ले, ये कहाँ से कोई अच्छे इंसान या मैच्योर इंसान है। वहां तो कम से कम बख्शना चाहिए ना, डांटना नहीं चाहिए, या डांट भी ले तो कम से कम बुरे शब्द काम में ना ले। बट वहां पर भी कंपटीशन, वहां पर भी बच्चे को भी नीचा दिखाने वाले भा, ये है, ये क्या बिहेवियर है? ये ना तो अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करते हैं, प्यार तो करना दूर की बात, ठीक है, और ना छोटे बच्चों तक को प्यार से संभालना या दुलार करना, ऐसा कुछ भी नहीं। जब भी देखो आक्रामक, और जब भी देखो बुरे स्तर पर बात करने वाले भाभी, बहुत कम टाइम ऐसा होगा जब इनको आप एक शांत बिहेवियर में देखते हो। ऐसा लगता है एनी टाइम इनको गुस्सा चढ़ा हुआ ही रहता है। नेगेटिव थिंक, नेगेटिव सोच और नेगेटिव बिहेवियर, सब कुछ नेगेटिव है। पर्सनैलिटी भी पूरी तरीके से नेगेटिव है, आदतें बहुत सारी बुरी है इनकी। एक काउंट करने में नहीं है कि ये काउंट करके बताए। एक तो जैसा कहा ना, वो बुरे लोग पसंद आते हैं जो गॉसिप करते हैं, जो इधर की बात जाकर उधर करते हैं, उधर की बात इधर। और ये जो एक ये वो इंसान है गाय, जो कहते हैं ना कि बिना वजह के ना बातों का बतंगड़ बनाकर, कि अगर किसी के घर में एक छोटी सी बात हो गई ना, उस बात का बतंगड़ कैसे बनाते हैं, बवंडर कैसे बनाते हैं, उसको अलग रूप में लोगों के सामने कैसे पेश करते हैं, ताकि लोग उन लोगों को ना एक बहुत बुरी नजर से देखें। मतलब कैसे भी करके ना किसी इंसान का कोई तकलीफ में है तो उसका जीना दुश्वार कैसे करते हैं। इस चीज में ना महारत है, हुनर है इस चीज का, कि परेशानी परेशान इंसान को और परेशान कैसे, किस प्रकार से किया जा सकता है। तरीके खूब सारे इनके पास परेशान करने के, जानबूझकर ऐसी बातें सामने रखनी, ऐसी बातें करनी, उल्टी तरीके से बातें करनी, दिमाग बहुत ज्यादा चलाना। अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं ये, कि जैसा चाहे वैसा सिचुएशन बना सकते हैं, ऐसा भी है इनके साथ। बट अभी एक एक हाल है, अभी कहीं पर ये अटके हुए हैं, अभी या तो इनके हेल्थ का इशू बिगड़ा हुआ है, इनके पैर को लेकर कोई दिक्कत है, या इनके माथे को लेकर कोई दिक्कत है, कुछ ना कुछ इनके हेल्थ को लेकर इशू बना हुआ है गाइस। अब देखो एक चीज है, झूठ बोलने वाला इंसान होता है ना, और धोखे देने वाला इंसान होता है ना, इनका जुपिटर खराब होता ही होता है, डेफिनेटली है गाइस। इन्हें भले एक समय में इनके काम बन रहे हैं या कुछ भी अच्छा हो रहा है, लेकिन एक समय के बाद में वही चीज इनके लिए कितनी तकलीफदायक बन जाती है, जो एक समय में इनको सुख दे रही होती है ना, वही चीज आगे जाकर इनको दुख पहुंचाती है। सडन देखना इनका वेट जो है ना, ये बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, दोनों अचानक वाली चीजें गाइस। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है बढ़ने वाली बात, क्योंकि इनके घूमना फिरना हो सकता है थोड़ा कम हुआ है, इधर उधर घूमते हुए अगर ये पास पड़ोस कहना तो आप देखोगे कि इधर उधर थोड़े कम घूम रहे हैं। हो सकता है बार बार बाहर घूमने की आदत जो होगी ना, वो अभी कम है, इन दिनों में कम है, मोटापा बढ़ना। दूसरा, ऐसे लोगों को मानसिक तौर पर बीमारियां ज्यादा होती है, जो ये लोग झूठ बोलते हैं, जो धोखा देते हैं, जो किसी के साथ पूरा करने की कोशिश करते हैं ना, ये अपना दिमाग बहुत ज्यादा चलाते हैं। और जैसा मैंने कहा ना, इनका जुपिटर खराब होता है, क्योंकि इनमें बड़ों से बात करने का लहजा नहीं है, बच्चों से बर्ताव करने का लहजा नहीं है, तो डेफिनेटली इनका जुपिटर खराब होना है। और मुझे नहीं लगता कि ये इन्होंने ज्यादा एजुकेशन प्राप्त करी होगी, या की भी होगी ना गाइस, तो वो प्रभाव इन पर देखने को नहीं मिलता। जैसे कहता है ना कि शिक्षा इंसान को सौम्य बनाते, विनम्र बनाती है, इनमें वो चीज देखने को नहीं मिलेगी गाइस आपको। ऐसा ही बिहेवियर है इनका, और अभी इनको हेल्थ का इशू डेफिनेटली चल रहा है, अभी इनके हॉस्पिटल के चक्कर पड़ रहे हैं, कुछ है नेगेटिविटी तो इनकी चल रही है गाइस। कर्मा तो इनको रिटर्न हो चुका है, हो चुका है, और किसी ने इनको बहुत बुरे शब्द भी बोले हैं। अब ऐसी स्थिति है कि ये वो इंसान है जो किसी के बुरे शब्द ना सुने, सबको नीचा दिखाने की कोशिश करे। अभी हाल फिलहाल में इनके साथ ऐसा हुआ है कि एक तो इनके हेल्थ के इशू है, जिसकी वजह से ये बेबस है, सुनने को विवश है कि इन्हें कोई बोलकर चला जाए। बट अभी इन दिनों में किसी ने इनको कुछ बुरा बोला है जो इनके ना सहनीय नहीं है, तो एक सिचुएशन क्या है कि बुरे एक एक तो तबीयत ठीक नहीं है, तो एक ही स्थान पर ये है, और दूसरा उसी स्थान पर है, क्योंकि इनको घूमने की आदत है ना, वो घूमना भी इनसे नहीं हो पा रहा है,
और एक स्थान पर रह रहकर इनको दिमाग में वही बातें घूम रही है जो कहीं ना कहीं इनको और तकलीफ दे रहा है, क्योंकि इनमें बदले वाले भाव है और बदला ले नहीं सकते अभी, अभी वो सिचुएशन है नहीं, तो अभी अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं। समझ में आया कार्ड की मीनिंग? अभी अटके हुए, अभी फंसे हुए हैं, अभी ऐसा लग रहा है अभी कुछ नहीं कर सकते और ये आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके लग नहीं रहा है हेल्थ का इशू ठीक होते हुए। ऐसा लग रहा है समय दर समय इनकी हेल्थ बिगड़ती हुई नजर आएगी। हो सकता है बीच में ऐसा लगे गाइस कि थोड़ा फिर से इनकी गतिविधियां नजर आए, एक बार हो सकता है इनके हेल्थ थोड़ी सी ठीक होते हुए नजर आए, और जैसे ही ठीक होते हुए नजर आएगी ये देखो वापस से अपनी उन्हीं गतिविधियों पर स्टार्ट हो जाएंगे। गॉसिप करना, अगर ब्लैक मैजिक जैसा ऐसा कुछ है तो ऐसा कुछ करना, मतलब परेशान करने वाली हरकतों पर फिर से आएंगे। लेकिन ये कहते हैं ना थोड़े दिन के लिए, और थोड़े दिन में वापस से इनके हेल्थ का इशू बिगड़ेगा। एक चीज है गाइस, मुझे ऐसा भी लगता है क्योंकि यहाँ पर पीछे जो है ना वो बादलों की एनर्जी है ना, जो कहीं ना कहीं काले बादलों की एनर्जी, जो कहीं ना कहीं कहती है कि किसी का ना ब्लैक मैजिक उल्टा पड़ा है। और ये होता है गाइस कि एक समय तक तो इनको लगता है कि ये जैसा चाह रहे हैं ना वैसे वैसे चीजें हो रही है, बिल्कुल वैसे इनके मन मुताबिक जैसे चीजें हो रही है, लोगों को परेशान करना या किन्हीं के काम में रोड़ा डालने वाली बात, ये कैरियर को लेकर भी आपके रोड़ा डालने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को जानकारी नहीं देनी चाहिए, ये बच्चों के एजुकेशन को लेकर, शादी ब्याह को लेकर, पैसों को लेकर बहुत जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, फिर उन्हीं को आधार बनाते हैं आपके विरुद्ध, है ना, उन चीज़ों को तोड़ने में ये कुछ कलाकारियाँ करते हैं अपनी। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो हर किसी को देनी ही नहीं गाइस, सबसे ज़्यादा पास पड़ोस के लोगों को नहीं देते, आज का ज़माना यही है, क्योंकि लोग किसी के सुख में सुखी नहीं होते, है ना, लेकिन दुख में जरूर सुखी होने की कोशिश करते हैं, फिर भुगतान करते हैं, क्योंकि किसी की तकलीफ में हंसना तकलीफ को इनवाइट करने वाली बात होती है, और इन्होंने कर ली है वो चीज, अब उसी तकलीफ में है ये। तो ये ब्लैक मैजिक जैसा भी कुछ करने की कोशिश करते हैं, और ये समय ऐसा है गाइस कि किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक जो है ना ये इन पर उल्टा पड़ा है। ये वो इंसान है जो ब्लैक मैजिक या कोई ऐसी ही नेगेटिव एनर्जी के लिए ना अपना समय भरपूर लगा सकते हैं। आप देखना है इनके ना जैसे अमावस्या, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण ऐसा कुछ आता है ना, तब इनकी हलचले बहुत बढ़ती है, कुछ विचित्र गतिविधियां जो है इनकी देखने को मिलेगी आपको। रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन हो सकता है बहुत पहनते हैं, या रेड कलर और ब्लू कलर बहुत पहनते हैं ये। ओके, ये कहीं शिफ्ट होने के ताक में है गाइस, ये कहीं वहां से जहां आप रह रहे हो, अगर ये पास पड़ोस के हैं या अगर आपके वर्क प्लेस पर है ना, तो ये अचानक शिफ्ट होने के बारे में, कहीं और शिफ्ट होने के बारे में इनकी प्लानिंग चल रही है गाइस, या इन्होंने शिफ्ट करा है। जैसे अगर आपके आसपास में रह रहे हैं ना, तो अब ये वहां से जाने की तैयारी में है, या हो सकता है जा भी चुके हैं। और अगर कोई ऐसा इंसान था जो पहले आपको परेशान कर रहा था, और ये रीडिंग इतनी मैच करी है कि बिल्कुल जैसा इस रीडिंग में आया ना यही कैरेक्टर आपके दिमाग में आ रहा है कि उस इंसान के था, है ना, यही बिहेवियर था, तो एक नाम आपके दिमाग में गूंज रहा है ना, तो ये वही इंसान है गाइस, या तो ये आपके आसपास से जा चुके हैं, आपकी लाइफ से जा चुके हैं, या जाने वाले हैं, और ये जो कोई भी है ये भयंकर तरीके का कर्म भुगत रहे हैं, भयंकर तरीके का कर्म भुगत रहे हैं, इनके हर काम में रोड़े रुकावटें आ रहे हैं, इनके खेल एक एक करके खत्म हो रहे हैं गाइस, एक एक करके खत्म हो रहे हैं। ये किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं जिनसे इनका निकलना लगभग अब इम्पॉसिबल है, लगभग इम्पॉसिबल है। देखो अगर कोई दूसरी सिचुएशन होती ना, तो फिर भी ये ऐसा इंसान है गाइस जिन्हें अपने माइंड पर बहुत ज्यादा बिलीव है, बहुत ज्यादा, आपने कहते ना कि अपने दिमाग पर ना एक घमंड है, लेकिन अभी की सिचुएशन ऐसी है कि अभी ऐसी स्थिति में अटके हुए हैं जहां पर इनकी तबीयत का मुद्दा आ गया, और वहां पर इनके दिमाग का कोई कुछ कहते हैं ना कि कोई ज्यादा विशेष प्रभाव नहीं रह रहा है कि किसी सिचुएशन को क्रिएट कर देंगे, कुछ ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। इनकी बीमारी के हालत में लोग इन पर हावी ज्यादा हो रहे हैं, जैसा कहा ना कि दूसरे को बोलने वाला खुद सहन करके चुप करके बैठा है,
तो ये कितनी गंभीर बात है, और ये बर्दाश्त ही नहीं होता किसी को कि इन्हें कोई सुनाकर चला जाए। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ऐसा ही पॉसिबल हुआ है। और अभी जिन चीज़ों में फंसे हुए हैं ना, वहाँ पर इनका जीना इतना दुश्वार, इतना कठिन हो गया है, भागने की कोशिश में है वहाँ से, कि कोई मौका मिले, कोई स्थिति बने और वहाँ से चले जाए, भाग जाए। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, इनकी मंशा कुछ और थी। कहा ना अभी कि इनका ब्लैक मैजिक इनको ले डूब रहा है। एक चीज होती है गाइस, कि जो भी ये तंत्र विद्या में या कोई नेगेटिव चीजों में लिप्त होते हैं ना, ये एक समय में उसी जाल में फंसते हैं। जो कहता है ना कि किसी के लिए गड्ढा खोदा है तो उसमें गिरना उसी को है, ये बिल्कुल इनके खेल पर, प्रकृति का खेल, मालिक का खेल जो है ना, वो भारी पड़ गया। इनको खौफ ही नहीं था किसी बात का। ये सोचते हैं कि ऐसे, मतलब ये दिखावा पसंद इंसान बहुत है गाइस, इन्हें डर नहीं है कि मालिक देख रहे हैं। या मतलब एक होता है ना कि किसी इंसान को ना, किसी इंसान को दर्द देने में बड़ी खुशी मिलती है। और ऐसा भी नहीं है कि इन्हें इतनी भर तक भी समझ नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है। सही गलत, धर्म अधर्म का पता होने के बाद में भी अपने वो एक पल की खुशी के लिए किसी इंसान को ना तकलीफ पहुंचाना, काफी सारे लोगों की लाइफ में इन्होंने गलत किया है गाइस, काफी सारे लोगों की लाइफ में गलत किया है। उनके काम को रोकना, उनके पैसों पर बुरी नजर, उनके काम पर बुरी नजर, कि कोई आसानी से जीवन ना जी ले। मतलब ये वो इंसान है गाइस, कि जैसे एक होता ना कि सुबह उठते ही किसी इंसान का ना मूड खराब कर देना, ताकि दिन भर है ना, अगर वो काम पर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो ऐसे समय पर उनका मन खराब करना कि उनका पूरा दिन ही बुरा जाए। वही चीज कहते हैं ना कि एक बार रिंग बजाने के बाद में वो बजती रहती है रिंग, है ना। मतलब वही बात गाइस, कि एक बार सुबह मॉर्निंग में दिन मूड खराब करने के बाद में, मन खराब करने के बाद में, वो पूरा दिन उनके दिमाग में वही बात चलती है, और उसकी वजह से काम पर से ध्यान हट जाता है, वो मानसिक तनाव। ये वो इंसान है जो, जिनकी सोच क्या है, किसी इंसान को इतना मानसिक तनाव देना जिससे वो परेशान हो जाए, जिससे वो किसी प्रकार का हल ना निकल पाए, किसी सिचुएशन से बाहर ना आ पाए, उलझता जाए उलझता जाए। और ये क्या करते हैं, एक साथ कोई एक चीज खराब करी ना, तो फिर हाथों हाथ दूसरी चीज, हाथों हाथ तीसरी चीज, ताकि कोई इंसान उलझा हुआ रहे, उन्हीं में से उलझा हुआ रहे, वो अपने बारे में, कोई नई चीज के बारे में सोच ना पाए, कोई नए सोर्सेस के बारे में सोच ना पाए। ऐसा केवल आपके साथ कर रहे, काफी सारे लोगों के साथ कर रहे हैं, और काफी सारे लोगों ने इनको गलत कहा है गाइस। अब मानो ना मानो, आपको भी पता होगा कि सामने से इनके कोई कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि अब शब्द से हर कोई डरता है गाइस, अपनी इमेज से, अपने रेस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए ना ऐसी चीजों को लोग इग्नोर करते हैं, ऐसे लोगों को इग्नोर करते हैं, कुछ नहीं कहते। इनको लगता है कि इनके डर की वजह से, या लोग इनकी इज्जत कर रहे हैं, वो सामने चीज इनको यही नजर आ रही है। अंतरात्मा सब जानती है कि पीठ के पीछे इनको भी कितना बुरा भला कहा जाता है, ये आपको भी पता है गाइस, है ना। और बिहेवियर कभी छुपता है क्या, इनका बिहेवियर लोगों के सामने है, और इनकी क्रियाकलापें, इनकी गतिविधियां लोगों के सामने है, बहुत सारे लोगों के सामने है कि ब्लैक मैजिक करते हैं, क्या कुछ है इनका है। द मैजिशियन, ओके, खेल खत्म हुआ गाइस, आपने प्रार्थना की है इनकी खेल खत्म होने के लिए, सरेंडर है आपका मालिक पर, क्योंकि ये ना आप पर बहुत हावी होने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर आपके भाग्य ने साथ दिया गाइस, ये कर्मा रिटर्न है। ये देखो, ये जस्टिस नेगेटिविटी पर ये कर्मा रिटर्न हुआ गाइस, अब समय दिखाएगा। कहते हैं ना कि ईश्वर की लाठी में ना आवाज नहीं होती, ये लाठी पड़ी ऐसी है, अब बोलकर कैसे कहे, अब वो सिचुएशन ही नहीं है कि बोलकर किसी को कहे, इस तरीके की लाठी पड़ी है। इस वजह से कहते हैं सोच करना किसी को दर्द देना चाहिए। मैं ये कह रही थी कि आपने कुछ चीजें मैनिफेस्ट किया गाइस, जस्टिस को मैनिफेस्ट किया है, और ये आपको मिलने जा रहा है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। बहुत बुरी बातें आपके लिए फैलाई है बाहर लोगों में,
इन्होंने आपके बारे में बहुत बुरी बातें फैलाई है गाइस, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना गॉसिप, बहुत बुरे स्तर पर करी है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको कि नहीं और लोगों से सुनने को मिली है कि इन्होंने ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा बुरी बातें करते हैं। कोई ना कोई इंसान ऐसा है गाइस जो कहता है ना आपको भी जानते हैं इनको भी जानते हैं, उन्होंने बताया है आपको। हो सकता है उन्होंने कहा होगा कोई एक्शन लो या कुछ ऐसा कि मतलब कुछ तो बताया गाइस, जो कुछ भी आपको इनके बारे में पता नहीं था ना ऐसा कुछ इनके बारे में एक बार सतर्क करने की कोशिश करी है कि अगर आप अपनी तरफ से इनको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो इन्फॉर्मेशन मत दो। आप मतलब हो सकता है कि जैसे जैसे मैंने कहा ना कि कोई बीच का इंसान ऐसा है या कोई ऐसा इंसान जो आपको भी जानता है उनको भी जानता है, वो आपको थोड़ा इनसे सतर्क रहने के बारे में बता रहा है ना। मतलब किसी के सामने इनका मुखौटा उतरा, ये लो जस्टिस का सी कर्मा कहा ना रिटर्न हो चुका है, क्योंकि इनके बारे में भी चर्चाएं चल रही है। आपको मिरर नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे आपको, 1221, 1551 है ना, 1331, ये कर्मा रिटर्न है गाइस, ये इनको मिल रहा है। और जैसा कहा ना कि ऐसी सिचुएशन इनकी लाइफ में क्रिएट हो रही है कि आप बोल कर क्या कहे, और कहा ना ये भागने वाली स्थिति में है गाइस। आप देखना ये तो या तो शिफ्ट कर जाएंगे, कहीं और मकान लेंगे या कुछ ऐसा होगा, या हो सकता है बीमार है तो कहीं और चले जाए ताकि लोगों को पता ना चले, लोग इन पर हावी ना हो, या हो सकता है फिनेंशियली तौर पर इन्हें कोई ना कोई लॉस का सामना हुआ है जिसकी वजह से ये वहाँ से भागने की कोशिश में है। मानसिक अशांति बहुत बुरे स्तर पर इनको हो चुकी है, या तो कहीं पर इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया और वो उन उसमें लॉस, एक जहाँ पर इनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था ना गाइस जिस बात को लेकर, वहाँ से इनको दुख पहुँचा है, इनकी उम्मीदें टूटी है गाइस, इनके साथ लड़ाई झगड़ा भी इनका हुआ है बीते दिनों में। मतलब इमोशनली उथल फुथल तो है इनके, तभी मानसिक तनाव क्यों होता है किसी इंसान को कि इमोशनली वो कहीं ना कहीं बेचैन होता है, उथल फुथल होती है इनके, चल रहा है गुस्से का तो पारा अभी इनका बड़ा खतरनाक है गाइस, क्योंकि मंशा खराब हुई है। देखो यहाँ पर गुस्सा भयंकर तरीके का भरा हुआ है, और अभी मुझे नहीं लगता कि किसी को अपने आसपास आने दे रहे हैं या अपने बारे में इन्फॉर्मेशन, इनको यही लगता है कि अगर कोई इनके पास जाएगा ना कोई इनसे इन्फॉर्मेशन ले लेगा, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेगा, और वो अभी देना नहीं चाहते क्योंकि इनको कहीं ना कहीं आभास है, क्योंकि किसी की तकलीफ में ये किसी को पूछ पूछ कर ना उनकी तकलीफ को और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो अभी इनको ऐसा ही लग रहा है कि अभी इनसे कोई अगर ये बीमार भी है ना, अगर इनके अपने भी इनको मिलने जाएंगे ना तो इनको ये लगेगा कि वो भी इनको इनकी तकलीफ को बढ़ाने के लिए इनके पास पहुंच रहे हैं। मतलब जैसी सोच है ना वैसे ही सब नजर आते हैं, जैसा चश्मा इन्होंने लगा रखा है ना वैसे पूरी दुनिया इनको नजर आती है। पर ये तो एक बात है गाइस, जस्टिस तो आपके साथ होना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि दो जगह ना ये लिब्रा की एनर्जी मुझे दिखी है, एक तो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स में नजर आई है और एक ये कर्मा रिटर्न हो चुका है, और उसी जाल में कोई फंस रहा है जिस जाल में आपको फंसाने की कोशिश करी है। एक और चीज बड़ी गंभीर नजर आ रही है, ये इनके अलावा अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे इंसान है जिनके द्वारा लिए गए एक्शन से कोई आपकी लाइफ पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा था, जिससे उस टाइम उनको कोई बुरा इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, उनको लग रहा था वो उनके द्वारा लिया हुआ एक्शन बिल्कुल सही है, और वहां पर आप समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये एक्शन गलत है, ये फैसला गलत है, तब आपकी बात को नजरअंदाज किया गया, आपकी बात को अनसुना किया गया, और उल्टा आप पर ब्लेम डाला गया कि आप किसी की खुशी में हमेशा बाधक बनने की कोशिश करते हो, या आप लाइफ में इंटरफेयर नियंत्रण बहुत ज्यादा करते हो, है ना। कुछ ऐसा आप पर और भी झूठे आरोप लगे होंगे, ब्लेम लगे होंगे, बुरे शब्द आपको सुनने को मिले होंगे, लेकिन ये स्थिति क्रिएट हुई किसी एक मुद्दे को लेकर, किसी एक बात को लेकर, जहां पर आपका नजरिया उस मुद्दे को लेकर सही था और किसी और का नजरिया उस मुद्दे को लेकर गलत था, तब वो मुद्दे का बुरा इफेक्ट जो है ना किसी पर पड़ा नहीं था, तो एक समझ में नहीं आया कि आप सही कह रहे हो, लेकिन अब समय जो है ना उस फैसले की जो बुरी एनर्जी है या उसका बुरा परिणाम है जो किसी इंसान को मिलने वाला है, और अब जाकर कहते हैं ना इस फैसले से दूर होना, कन्नी काटना, किससे तो कोई लेना देना नहीं, ये मुद्दे से मुझे कोई लेना देना नहीं, वो वाली चीज गाइस। अब देखो जब खुद पर आती है ना तब कितने हाव भाव बदल जाते हैं, तरीके बदल जाते हैं,
मतलब अब देखो, आपको अपने बारे में सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह समय ने खुद ब खुद आपके बारे में कहता ना, सत्य को प्रमाणित कर दिया। खेल तो खत्म हुआ गाइस। किसी कहता ना कि एक समय का किसी ने जबरदस्त फायदा उठाने की कोशिश करी है, और मालिक सब देखते हैं गाइस कि कौन सही है कौन गलत है, कौन सही बात कर रहा है कौन गलत बात कर रहा है, कोई बचाने की कोशिश कर रहा है कौन बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। मालिक को सब पता होता है। समय जस्टिस लेकर आता है, कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है। 3-4 साल लगे होंगे आपको किसी जस्टिस का वेट करते हुए, और यही बात हर रोज, अभी तक मैं जस्टिस नहीं हुआ मालिक, अभी तक मैं जस्टिस नहीं हुआ। ये जस्टिस का है, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। और जब भी आपके मन में आया होगा ना, आपको गुस्सा आया होगा ना, कि सही होने पर भी आरोप झेलते जा रहे झेलते जा रहे हैं। सिचुएशन ऐसी है कि आप गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके साथ बिहेवियर ऐसा होता है जैसे आपने गलत कर दिया। बेवजह की चीजों पर ना, गलत करने के बाद में कोई इंसान आपको ये एहसास कराने की कोशिश करता है कि आप गिल्ट में जाओ, आपने गलत करा है, जबकि वो आपकी अच्छाई है। लेकिन फिर भी आपको ना बुरा जताने की कोशिश की जाती है जबरदस्ती। क्या कहते हैं किसी इंसान को ये फील करवाए जाना, जबकि आपके साथ ऐसा है ही नहीं, आपके दिमाग में ऐसा ही नहीं कि आप गलत कर रहे हो तो आपको किसी प्रकार का गिल्ट। अभी मुझे नहीं लगता कि किसी मामले को लेकर आपको गिल्ट है, क्योंकि वहां पर आपकी अंतर आत्मा 100% है कि आपने जो सोचा है, जो फैसला लिया है, जिस फैसले पर आपका नजरिया है, वो एकदम सही है, और वो बाकायदा सही है गाइस, क्योंकि यहाँ पर आपकी इंट्यूशन साथ दे रही है। क्योंकि किसी इंसान का ना 100%, जो इंसान सबसे ज्यादा दुविधा में रहता है, वो अगर इंसान किसी बात को लेकर कह देना, यहाँ पर आपके अनुभव बोल रहे हैं गाइस। जो सबक आपने लाइफ में लिए है ना, वो सबक और वो अनुभव एक्सपीरियंस किसी मुद्दे को लेकर आपके बोल रहे हैं, जो आप नहीं भूले हो कि आपने पास्ट में क्या क्या देखा है। भूलने वाले लोग भूल गए, वहां पर आप सही हो गाइस, और आपका लिया हुआ स्टैंड ही, आपका लिया हुआ एक्शन ही जीतेगा। यही जस्टिस है। कुछ चीजें पहले आपके विरुद्ध में गई थी ना, अब जब उन लोगों के विरुद्ध में जाएगी, तब उनको समझ में आएगा सही चीज कह रहे हो आप, आपका फैसला सही है, सहमति प्रकट होगी, है ना। ये चीजें हैं। ये लो। कोई सिचुएशन नहीं, ऐसी सिचुएशन नहीं, या ऐसे इंसान की वजह से डिप्रेशन में। देखो, टावर मोमेंट तक झेला है आपने, वो भी सडन। ये कोई मई के बारे में बात कर रहा है गाइस, 2-3 साल पहले, 2021 में हो सकता है, मई में कोई प्रॉब्लम घटित हुई है आपकी लाइफ में, सडन अचानक, है ना, जिसकी वजह से आपकी इमेज पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, जिसके बाद में आप चुप बहुत ज्यादा रहे हो गाइस। कि जैसे एक होता ना कि इस इंसान का ये सोचना कि अब मेरा चुप रहना ही बेहतर है, मैं किसी को पलट कर क्या जवाब दूँ, समय अपना आप जवाब देगा। बात सही है गाइस, लेकिन कहीं कहीं पर कहते हैं ना कि कुछ जगह पर आपको चुप नहीं रहना चाहिए था। सही इंसान अगर गलत जगह पर मौन रह जाता है ना, तो वो चीज़ों को बढ़ाती है गाइस, परिस्थितियों को बढ़ाती है। हो सकता है अब आपको एहसास हुआ होगा कि काश उस टाइम मेरा चुप ना रहना ज़्यादा सही रहता। कोई बात नहीं गाइस, समय निकल गया, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये समय आया है फिर से जस्टिस का। कहते हैं ना, मौका कभी कोई इंसान चूक जाता है ना, तो दोबारा मौका मिलता है, डेस्टिनी देती है, अगर इंसान भला नेक हो, है ना। तो आपके लिए मौके आ रहे हैं गाइस, फिर से जस्टिस के, फिर से सब कुछ अच्छा होने के लिए, और आपकी लाइफ में नई शुरुआत करने के लिए आपको हेल्प मिल रही है मालिक की तरफ से। और ऐसे इंसान को कर्मा रिटर्न, ऐसे इंसान को उसी परिस्थितियों में फंसाया जाना, ऐसे इंसान का खेल खत्म होना गाइस, ये एक झूठे अहंकार में बैठे हुए थे। वाकई में बहुत बड़ा, कहते हैं ना कि गलत फहमी का बवंडर बनाना, बिल्कुल गलत फहमी में बैठे हुए थे। इनको दूसरे का हक, दूसरे के कहते हैं ना कि क्रेडिट छीनने का बहुत ज्यादा शौक है। छोटी छोटी बातों पर देखोगे गाइस कि कंपटीशन लगाना, छोटी छोटी बातों पर होड़ बहुत है। मतलब एक होता ना, छोटी छोटी चीजों में किसी इंसान के सुख में भी बाधक बनने की कोशिश करना, किस चीज में इनको हंसी आ गई। अगर आपका किसी के साथ मेल जोल है,
तो वहां पर उनसे डिस्टेंस कैसे क्रिएट करवाया जाए आपका। एक चीज नोटिस करना कि जहां पर आपके कुछ लोगों के साथ, चाहे आपके फ्रेंड्स में हो, चाहे कोई भी इंसान आपकी पहचान में, कोई नया इंसान भी बने ना, अगर इनको भनक हो जाए कि उनके साथ आपके तालमेल अच्छे जा रहे हैं, रेपो अच्छा बन रहा है आपका, तो देखो क्या कलाकारी करते हैं। थोड़े टाइम बाद में उनके साथ आपका डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, तो आपको डर भी लगता है कि अगर किसी के साथ बातचीत हो जाए या किसी के साथ अच्छा मेलजोल हो जाए ना, इनको कहने गलत हो जाएगा या इनको पता चल जाएगा तो गलत हो जाएगा। इतना डर गाइस कि एक हीलिंग के लिए या एक लाइफ में होता ना गाइस कि हम भी किसी को फ्रेंड्स बनाए, हमारी लाइफ में भी अच्छे लोग आए, उन अच्छे लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में नहीं हो पाती, कोई शुभ काम आपकी लाइफ में हो नहीं पाता ऐसे लोगों की वजह से। बाधक बनना, हर चीज में बाधक बनना। लो इनके सुख में भी देखो बाधा क्रिएट हो रही है। अब सुख क्या, ये सोच रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि इनकी हेल्थ को लेकर रिकवरी हो जाएगी, जैसा कहा ना यहाँ पर संभव नहीं लग रहा गाइस, सच में संभव नहीं लग रहा कि इनकी हेल्थ को लेकर रिकवरी होगी। एक बार हो सकता है जैसा मैंने कहा कि बीच में इनको लगेगा कि इनकी हेल्थ ठीक हो रही है, जैसे एक होता है ना कि फिर से किसी को चेक करने वाली बात कि ये अब क्या करते हैं, और उस टाइम इनकी गतिविधियां फिर से बढ़ेगी, और उसके बाद में ये जो बीमार होंगे ना, उसके बाद में इनका ठीक होना बड़ा मुश्किल है। इनके बारे में कुछ और डिटेल्स लें कि ये कौन इंसान है जिनका खेल खत्म होने वाला है। ओके, इनफ है। आर नंबर 13, नंबर 11, नंबर 12, एल नंबर 15, ई 17, नंबर 28, नंबर 3। ओके, एक लेटर, आई एम सॉरी, जी एफ एस एम नंबर 9, ए क्यू पी नंबर 5। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ तक मैं नाम तक का आभास हो चुका है कि कौन है कौन नहीं है। एन ओ लेटर्स खूब सारे आए हैं गाइस। नंबर 18 सॉरी, और यू एच, ठीक है ना जी। तो ये कुछ लेटर्स आए हैं जिससे हो सकता है कि इनके नाम की शुरुआत होती होगी या इनके नाम में ये लेटर्स आते होंगे, और ये कुछ डेट आई है गाइस जो इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या इनके लाइफ में कुछ विशेष महत्व रखती है, कुछ ना कुछ हो सकता है, कोई घटना हुई है इनके लाइफ में या कुछ बदलाव ऐसे हुए जो ये डेट को हाईलाइट करते हैं, है ना। तो ये कुछ हो सकता है। इनके बारे में मैं कुछ और डाइस के आधार पर भी जानने की कोशिश करती हूँ कि ये कौन इंसान है। रेडियो सुनने की आदत होगी गाइस, ये गाने सुनने की आदत या म्यूजिक में दिलचस्पी हो सकती है, ये ऐसा कुछ है गाइस, गाना सुनना या कुछ म्यूजिक में दिलचस्पी, या फिर गाना गाने का शौक हो सकता है ना। लापरवाह इंसान है गाइस, क्योंकि ये अपना ज्यादातर समय जो है वो गॉसिप में, दूसरी चीजों में व्यतीत कर देते, लेकिन अपनी लाइफ के प्रति भी पूरी तरीके से लापरवाह है, नजरिया बिल्कुल अच्छा नहीं है। कहा ना जैसा चश्मा अपना पहना हुआ है ना, वैसे वो दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं, कि जैसा खुद बुरे हैं इंसान है वैसे दुनिया को बुरा समझते हैं, है ना। लोगों के प्रति सोच नेगेटिव है, थिंक नेगेटिव है, खुद को बड़ी रेस्पेक्ट चाहिए लेकिन लोगों की डिसरेस्पेक्ट करते हैं। पहला ही कार्ड जो है ना इनके बारे में यही बता रहा था कि लोगों की डिसरेस्पेक्ट करने में ये ज्यादा समय नहीं लगाते, चाहे छोटा हो चाहे इनसे बड़ा भी हो, कितनी भी एज में बड़े क्यों ना हो, है ना, उनके लिए अच्छे शब्द काम में नहीं लेते। एक कहता है ना, रेस्पेक्ट से पुकारने वाले शब्द काम में नहीं लिए जाते इनसे। कोई कुर्सी ऐसी हो सकती है जिनसे इनका विशेष लगाव है गाइस, इनके घर में हो सकती है कोई कुर्सी, कोई चेयर ऐसी हो सकती है, ये एक पुराने टाइप की होती है ना गाइस,
बहुत पुराने टाइप की, जो एक देखकर लगता है कि अभी इन इस समय में नहीं मिलती है ना, पूर्वजों की, या बहुत पहले से कोई इनके इनके पास बहुत सालों पहले से की पहले की कोई एक चेयर है जिससे इनका विशेष लगाव जुड़ा हुआ है। इनको फ्रूट्स खाने के बहुत शौक है, खाने पीने के शौकीन बहुत है ना। ये पक्षपात बहुत ज्यादा, भेदभाव, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, मतलब बहुत सारी चीजें, कहते हैं ना कि एक बुरी चीज है गाइस, एक ऐसी रीति को या बुरी चीजों को ये अपना कर चलते हैं जो जो सही नहीं है, जो भेदभाव को और ज्यादा बढ़ाती है, लड़के लड़की का भेदभाव या किसी भी प्रकार का गाइस, लेकिन भेदभाव बुरी आदत है इनमें। घूमने का बहुत शौक है गाइस, घूमते फिरते बहुत है, खुद की केयर बहुत करते हैं, खुद की परवाह बहुत करते हैं। इनके घर में हो सकते हैं खूब सारे पौधे लगे हुए होंगे है ना, ऐसा है कुछ हरियाली हरियाली जैसा लगता है कि या तो बागवानी का शौक होगा इनको, या इनके घर के आसपास कोई हो सकता है बड़ा गार्डन हो, ऐसा कुछ है। तो इनके बारे में खूब सारे डिटेल्स आई है गाइस, जिससे आपको पता चल जाए कि ये कौन इंसान है जिनका खेल खत्म होने जा रहा है गाइस, और जिससे आपकी लाइफ फ्री होते हुए और आपके साथ जस्टिस होते हुए नजर आ रहा है। तो निश्चिंत रहना, मालिक पर बिलीव करना, ये जस्टिस आपके साथ होना स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।